बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी आज हम लोगों ने बेसिकली जो पढ़ना है वो हमारा मेन फोकस है बैक्टीरियोलॉजी पे। तो बैक्टीरियोलॉजी बेसिकली क्या है कि ये ब्रांच आती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, दी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग अपनी जो नेकेड आई है उसके साथ में देख सकते हैं, और इनको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो माइक्रो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हैं, पैरासाइट्स हैं, फंजाई हैं, और इसके अलावा प्रोटोजोआ वगैरह, ये सारे जो है ना हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ जो है ना वो देखते हैं। अगर हम बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ओके, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। और इन बैक्टीरियाज का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स ही हैं कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मी के प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ये सेल्फ मल्टीप्लीकेशन खुद ब खुद ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और ये जो सेल्फ मल्टीप्लीकेशन वाला जो प्रोसीजर है ये बेसिकली बाइनरी फिशन के थ्रू जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जेनेटिक मटेरियल से डीएनए, आरएनए, और इसकी अगर हम नॉमन क्लेचर की बात करें जो बैक्टीरिया है, मीन कि हम उसको कैसे उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको कैसे बोलते हैं उनका नॉमन क्लेचर जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है स्टेफलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियाज के हमेशा नाम जो होते हैं दो होते हैं, एक उसका जीनस नेम होता है और दूसरा उसका क्या होता है, स्पीशीज नेम होती है। नॉमन क्लेचर में एक जीनस और दूसरा स्पीशीज होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा जीनस होता है और जो सेकेंड नेम होता है वो उसकी स्पीशीज होती है। अब स्टेफलोकोकस क्या है कि हमारे पास जीनस है, और ऑरियस क्या है, हमारे पास स्पीशीज है। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन मीन दो के अंदर डिवाइड होना, उसके नाम पे अगर देखें तो बाय मीन टू। अब क्या होता है, जो पेरेंट सेल जो होता है ना वो डिवाइड करता है टू इक्वल साइज डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अगर सपोज ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, इसकी आगे इसकी डिवीजन हो रही है तो आगे ये टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ना इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं।